करीब 300 कोऑपरेटिव बैंक है जो पूरी तरह ये लेफ्टिस्ट लोग चलाते हैं, और करीब 1,00,000 करोड़ रुपया केरल के गरीबों का, सामान्य मानवीय का उसमें पड़ा हुआ है। अब आप उसमें देखिए कि इन्होंने क्या किया, उसके संचालन करने वालों ने उनके पैसों की चिंता नहीं की, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद कर ली। अभी एक बैंक में हमने जो कार्रवाई की तो उसमें करीब 90 करोड़ रुपए हमने अटैच किया है, और मैंने अभी लीगल एडवाइज में ले रहा हूँ कि ये जो 90 करोड़ रुपए हैं, जिनके पैसे बैंक में थे, इनको वापस कैसे मिले। मैंने ईडी से भी आग्रह किया कि भाई हम देना शुरू करें, और जो लूट रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच करें। हमने अब तक 17,000 करोड़ रुपीस जो इस प्रकार से पकड़े थे, वो संबंधित जिसका था उसको वापस किया है, 17,000 करोड़ रुपीस। और इसलिए मैं केरल में इन 300 बैंक का जो घपला इन्होंने किया है, अरबों खरबों रुपये की, ये जो 1,00,000 करोड़ रुपया, ये छोटी अमाउंट नहीं है, गरीब है, और मैं मानता हूँ उसको मैं गंभीरता से मैंने लिया है, और ये मेरे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, सामान्य मानवीय के जीवन का मुद्दा है जी।